कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर मंगलवार को देव दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि मंगलवार को साय 5:30 बजे से 6:30 बजे तक चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, जिसके कारण सुबह 8 बजे से ही सूतक लगने से मंदिरों का कपाट बंद कर दिया गया था। पूरे दिन मंदिरों में पूजा पाठ बंद रहा। शाम को चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर को धोया गया। उसके बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर को दीयों से सजाया और विधि विधान से पूजा अर्चना किया। मुक्तेश्वर नाथ मंदिर को 11,000 दीपों से सजाया गया। दीप जलने के बाद मंदिर का परिसर रोशनी से जगमगा उठा, जिसके संबंध में श्रद्धालुओं ने बताया कि अपने सैया से विष्णु भगवान 4 महीने के बाद आज के दिन उठते हैं तो देवलोक में दीपावली मनाया जाता है। उसी को देखते हुए यहाँ भी दीपावली का उत्सव मनाते हैं। देव दीपावली के दिन दीपक जलाने से बुद्धि, ज्ञान और जीवन की कठिनाई दूर होती है। उन्होंने कहा कि देवताओं के लिए दीपावली मनाई जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालुओं एवं मंदिर के पुजारी रामनाथ ने कहा, आइए जिस भजन में आकर के इस दरबार से मेरी पहचान हुई, निश्चित रूप से बाबा के आने की खुशी थी। Thank you.
ये दिवाली का दिया जलाया जाता है, हर साल हम लोग जलाते हैं यहाँ पे, कई सालों से ये मनाया जाता है। देव दिवाली का क्या महत्व है? देव दिवाली का महत्व है कि हैं देवताओं का देव दिवाली है, इसी का दिया जलाया जाता है। आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, नहान भी है, उसका भी पर्व बहुत ज़्यादा है। अरुण कुमार श्रीवास्तव, इसका महत्व यही है कि जब विष्णु भगवान शयन से उठते हैं 4 महीने बाद, तो देवलोक में जो है देव दीपावली मनाया जाता है, दीपोत्सव कार्यक्रम किया जाता है। उसी के हिसाब से देखते हुए हम लोग भी जो है देव दीपावली का उत्सव मनाते हैं। क्या फायदा उससे? भाग्य अच्छे विचार आते हैं, यही सब फायदे हैं। मेरा नाम हेमलता, अयोध्या और गोरखनाथ से रहने वाली हूँ जी। दीप जला रहे हैं, आज देव दीपावली है और यहाँ मुक्तेश्वर धाम मंदिर में भी बड़ी धूमधाम से भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, श्रद्धा भक्ति के साथ देव दीपावली का बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम चल रहा है। देव दीपावली का महत्व है कि देव दीपावली के दिन जो है दीपक जलाने से सद्गति को आदमी, वो दीप हमारे हाथों से हमारे हृदय में अगर हम जलाते हैं, देवता लोगों को, अपने इष्ट देव को, और देव दीपावली इसीलिए मनाया जाता है कि वो भक्ति रूपी और ज्ञान रूपी आस्था रूपी हमारे हृदय में देवता लोग हृदय रूपी हृदय में और मतलब ज्ञान का दीप जलाते हैं। आज 5 बजे से 5:20 से ग्रहण लगा था, चंद्र ग्रहण, और 6:20 तक चंद्र ग्रहण भी था। और यहाँ मुक्तेश्वर धाम मंदिर में भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, बहुत भव्य कार्यक्रम, और आप सभी लोगों का मीडिया मतलब से भी हमको बहुत सारे भक्ति का दर्शन करने को मिला, और सभी लोग यहाँ भक्तों की आस्था और प्रेम बहुत भव्य तरीके से जुड़ा हुआ है, और मेरा तन मन धन देव दीपावली में जो है समर्पित हो गया, और हमारे काशी विश्वनाथ मुक्तेश्वर नाथ धाम बड़ा ही भव्य धाम है, जिसमें मैं अपना तन मन धन समर्पित कर चुकी हूँ, और भोलेनाथ ही, त्रिलोकी नाथ ही, सब कुछ त्रिलोकी के नाथ हैं, सारे भक्तों के रखवाले और देखभाल करने वाले हैं। आज यहाँ जगराता भी हो रहा है। हमारा नाम मंद मुक्तेश्वर नाथ रमानाथ उपाध्याय। ऐसा कि चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है, इसलिए सूतक में मूर्ति स्पर्श नहीं किया जाता है, इसीलिए मूर्ति के स्पर्श के लिए कपाट को बंद कर दिया जाता है, और मंत्र का जप करते रहते हैं भक्त लोग, और उसके अलावा मूर्ति स्पर्श वर्जित है। हाँ, आज देव दीपावली का महोत्सव मनाया जा रहा है, और चंद्रग्रहण जो ख़त्म होगा 6:19 पे ख़त्म हो रहा है, 5:09 से शुरू हो रहा है और 6:19 पर ख़त्म हो रहा है। उसके बाद से हम लोग देव मंदिर की धुलाई सफाई होगी, कपाट खोला जाएगा, और धुलाई सफाई करने के बाद से मंदिर की आरती होगी और देव दीपावली पर्व मनाया जाएगा। यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कितना दीप जलाया जा रहा है? 11,000 दीपकों से दीप यज्ञ मनाया जा रहा है यहाँ पर। क्या महत्व होता है देव दीपावली का? देव दीपावली का महत्व है, बनारस में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, दीपावली के बाद देव दीपावली, इसमें देवताओं लोगों को दीपक जलाया जाता है, इसमें देवताओं के लिए देव दीपावली मनाई गई है। श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर दीप जलाते हैं? हाँ, श्रद्धालु आते हैं, सब लोग दीपक जलाते हैं, और यहाँ पर भजन का कार्यक्रम हो रहा है मंदिर में, और विशिष्ट अतिथि में आने वाले हैं यहाँ के सांसद रवि कृष्ण शुक्ला।